बच्चों देखो, हमने एल्केन कर लिया, एल्कीन कर लिया, एल्काइन किया नहीं, अभी एल्काडाइन करते हैं। पहली चीज गाइस, एल्काडाइन कितने तरह के होते, टाइप्स। एल्काडाइन को हम ब्रेक करते हैं तीन पार्ट में। पहला क्यूमुलेटेड डाइन, क्यूमुलेटेड मतलब डबल बॉन्ड साथ साथ, डबल बॉन्ड साथ साथ। बच्चों इनको क्यूमुलिन या एलिन भी बोलते हैं, एलिन तुम्हें बहुत याद होगा, क्यूमुलिन एलिन, ठीक है ना गाइस। मतलब दो डबल बॉन्ड ऑन सेम कार्बन है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, दैट इज अ क्यूमुलेटेड डाइन। अनस्टेबल होते हैं गाइस, ज्यादा बात नहीं करी आप, अनस्टेबल है, फटाफट रिएक्शन करते हैं, और इनकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी होती कम है, तो नथिंग मस्ट टू डिस्कस। दूसरे पे आते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड तुम्हें पता है बच्चों, कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस। कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब डबल सिंगल डबल बेसिक। यार इनकी रिएक्शन ना कई बार थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, मोस्टली हम इन्हीं की रिएक्शन डिस्कस कर रहे हो, ठीक है ना गाइस। मोस्टली जो हम रिएक्शन देखेंगे वो इन्हीं की देखेंगे। तीसरा हो गया आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड की क्यों नहीं देखेंगे, आइसोलेटेड डाइन का मतलब समझो, इतनी दूर है कि उनके बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा, मतलब मिनिमम एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बीच में बैठा होना चाहिए। इसमें तुम्हें कोई sp3 दिख रहा है गाइस, नहीं दिख रहा। आइसोलेटेड में मिनिमम एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बीच में भी होता है, मिनिमम एक। आइडिया इज देयर इज नो रेजोनेंस, सिंपल टर्म में सोचा जाए तो दे आर बिहेविंग एज नॉर्मल एल्किन। जो नॉर्मल एल्किन हमने पढ़ा था ये वही है कि दोनों एल्किन्स विल बिहेव नॉर्मली, जैसे हम एल्किन्स की रिएक्शन देखते थे वैसे ही, ठीक है ना गाइस, नथिंग स्पेशल अबाउट, फाइन। तो आइसोलेटेड डाइन्स आर लाइक नॉर्मल एल्किन जो हम कर चुके हैं। कॉन्जुगेटेड की रिएक्शन हम देखेंगे, क्यूमुलेटेड अनस्टेबल होते हैं तो उसकी बात नहीं करी जाती, ठीक है ना गाइस। अब सबसे पहले काम करते हैं प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन के दो तरीके हैं, पहला टेकिंग डाई हेलाइड CH2 एक्स। एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे एक्स कर देते हैं, ओके गाइस। और तुमने दे मारा क्या, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों, HX बाहर फेंकता है। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है, यहां से एक्स जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब दूसरा HX जो जाएगा वो या तो तुम क्या करो, यहां से एक्स भेजो, यहां से एच भेजो और डबल बॉन्ड बना दो, इसमें तो क्यूमुलेटेड बन गया, क्यूमुलेटेड इज अनस्टेबल। तो हम क्यूमुलेटेड नहीं सोचते, हम सोचते हैं कॉन्जुगेटेड। और कॉन्जुगेटेड तुम्हें पता है आसानी से बन सकता है, तुम यहां से एक्स हटाओ, यहां से एच हटाओ, तो यू विल गेट अ कॉन्जुगेटेड डाइईन। समझे या नहीं समझे गाइस, ये गेट अ कॉन्जुगेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन्स आर रेयर, जब कुछ ना दिखे तो क्यूमुलेटेड बना दो, नहीं तो कॉन्जुगेटेड बना, क्योंकि हमें बताया कॉन्जुगेटेड सबसे अनस्टेबल होंगे, उसके बाद आइसोलेटेड होंगे और सबसे कम क्यूमुलेटेड होंगे। क्लियर है गाइस, हम ये भी ले सकते थे। अभी हमने मतलब मिनिमम एक कार्बन एटम का बीच में गैप था, जो हेलोजन से जिन कार्बन पे हेलोजन अटैच है उनके बीच में भी एक कार्बन। सपोजिंग मैं ये लेता और इसमें मैं क्या कर रही हो गाइस, एल्कोहलिक QH लेते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे ध्यान दो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एक्स जाएगा, हाइड्रोजन यहीं से जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं इसके पास, है ना, क्या करेगा जाके ये एक्स। ये देखो HX बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया। और तुम कहोगे सर एक और एच एक्स बाहर निकालना है, तो यहाँ से एक्स भेजो, यहाँ से एच भेजोगे तो क्यूमुलेटेड डाइन बनेगा, नॉट नाइस। इसमें क्या होता है, तुम एक्स यहाँ से हटाओगे, एच यहाँ से हटाओगे, ये तो एल्काइन बना देगा, तो हम क्या करते हैं एल्काइन नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना गाइस। हमें क्या बनाना था, एल्काडाइन। तो हम ऐसा लेंगे कि एक्स थोड़े गैप पे हो, एडजेसेंट होंगे, तो देयर इज अ चांस कि या तो क्यूमुलेटेड डाइन बने या तुम्हारा एल्काइन बने, और एल्काइन बन के बैठ जाएगा। अच्छा यहाँ पे जब मैं बता ही रहा हूँ तो मैं बता दूँ, एल्काइन में एक HX तो आसानी से निकल जाएगा,
सपोजिंग मैंने ये एक्स हटाया, ये एच हटाया, डबल बॉन्ड बना। अब जो दूसरा एक्स है, डू यू रियलाइज ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है इस बॉन्ड के अंदर, डबल सिंगल और एक्स के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई मीन डू यू रियलाइज और नॉट कि एक एच एक्स बाहर निकलने के बाद, मैं एक काम करता हूँ बाहर ही निकाल देता हूँ, फिर से घूम जाता हूँ, ये बना दिया। अब दूसरा एच एक्स बाहर निकाल, यहाँ से एक्स और यहाँ से, दैट इज नॉट इजी। या तो तुम्हें लिखाई हो, जबरदस्ती लिखा हुआ है अल्कोहलिक क्यू एच एक्सेस, तो भाई एक्सेस का मतलब दो बार तो मिनिमम रिएक्शन करनी है, एल्काइन बना दो। नहीं तो बेटर क्या है, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस टू रिमूव द हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन हट रहा होता है तभी तुम्हारा साइड बाय साइड एक्स हटता है और डबल बॉन्ड बन जाता है या एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, NaNH2। ये मैं बता चुका हूँ आई गेस, ठीक है ना गाइस। NaNH2 यूज करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन NaNH2 में शायद मैंने ये भी बताया था कि NaNH2 में भी अगर तुम एक इक्विवेलेंट से ज्यादा ले लेते हो तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को भी बाहर फेंक देगा। हाँ ना बच्चों, गुड। और सपोजिंग यहाँ पे भी एच होता तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन बाहर फेंकता, डिपेंडिंग अपॉन तुमने कितने इक्विवेलेंट ले रखे हैं ये हो जाता। तो एनीवे मैंने तुम्हें बता दिया, ये हमारा बन गया, क्लियर है गाइस। इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक काम करता हूँ मैं एक और ले देता हूँ, CH2X। वन सेकेंड गाइस, गाइस इसमें मैं अल्कोहलिक केस लूंगा तो डू यू रियलाइज और नॉट, इसमें तुम्हारा कॉन्जुगेटेड भी बन सकता है और तुम्हारा आइसोलेटेड भी बन सकता है। और सपोजिंग मैं थोड़ा और चेंज करता, वन सेकंड गाइस, नहीं ये लिखना नहीं, ये सुनते जाओ, सुनना ज्यादा जरूरी है। इसमें अल्कोहलिक केस डालता हूँ तो क्या हमारा क्यूमुलेटेड बन सकता है, सोच के बताना, ये बनेगा या नहीं बनेगा वो अलग बात है, बन सकता है नहीं बन सकता, बन सकता है, क्यूमुलेटेड बन सकता है, कॉन्जुगेटेड बन सकता है, कॉन्जुगेटेड बन सकता है, आइसोलेटेड बन सकता है, आइसोलेटेड बन सकता है। ये अगर तुम डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाओगे, मतलब ये एक्स ये एच, ये एक्स ये एच, क्यूमुलेटेड बन गया, ये एक्स ये एच, ये एक्स ये एच, कॉन्जुगेटेड बन जाएगा, और ये एक्स ये एच, ये एक्स ये एच, तो तुम्हारा आइसोलेटेड बन जाएगा ऑल टाइप्स ऑफ एल्काडाइन। ये बड़ा फेयर इनफ आइडिया, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गाइस। अब डायहैलाइड के बाद क्या वो डायोल के बाद भी चल सकता है? हाँ है ना बच्चों, डायोल में कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तुम एच प्लस सीड दे मारो, एल्कोहल लो एच प्लस सीड दे मारो। हाँ है ना बच्चों, तो मैं एक काम करता ये ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम की चीज बता दूँ गाइस, यहाँ पे हम विसिनल, जैसे हमने ऊपर वाले केस में विसिनल ले लिया, विसिनल ले लेते तो क्या बन रहा था बच्चा, एल्काइन बन रहा था, क्यों विसिनल डायहैलाइड ले रहे थे तुम्हारा क्या बन रहा था, एल्काइन बन रहा था, गुड। अब इधर आते हैं, इसमें तुम एच प्लस हीट दे मारो, एच प्लस हीट का मतलब है H2SO4 हीट, H3PO4 हीट, लॉट ऑफ ऑप्शन वी हैव गॉट, ठीक है ना गाइस। तो मैं तो कॉन्जुगेटेड बनाऊंगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड इज नाइस। ये समझ आया नहीं आया, ओ एच एच ओ एच एच, वाटर का एलिमिनेशन। हाँ ना बच्चों, मेजर तो ये बनेगा। अब मैं तुम्हें बताने क्या वाला था कि अगर तुम विसिनल डायोल लेते हो, विसिनल डायहैलाइड लोगे, मैं लिख देता हूँ इसे कहीं। अच्छा गाइस, विसिनल डायहैलाइड से जरूरी नहीं है हमेशा तुम्हारा एल्काइन ही बने, एल्काडाइन भी बन सकता है। प्रोफेसर एल्काडाइन तो हमने नहीं देखा, क्योंकि बेटा मैंने कार्बन ही इस हिसाब से ले रखे थे कि तुम्हारा उसमें क्या बने, सिर्फ एल्काइन ही बने। जैसे मैं अगर ये लेता हूँ, यहाँ पे भी अच्छी बात करते हैं, एल्कोहलिक क्यूएच अगर मैं लेता हूँ तो क्या बनेगा, एल्कोहलिक क्यू एच एक्सेस में ले लिया, तुम कहोगे सर एल्काइन बनाया था, मैं कहूंगा मैंने बताया था एल्काइन के लिए ज्यादा फेवर्ड होता है नहीं, दूसरा एच एक्स निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पे एल्कोहलिक क्यू एच डालोगे देयर इज अ चांस कि तुम्हारा क्या बने बच्चों,
कॉन्जुगेटेड डाइन, एच एक्स एक्स यहाँ का एलिमिनेट हुआ, एच यहाँ का, एक्स यहाँ का, एच यहाँ, देयर इज अ चांस यू विल गेट एल का डाइन। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले, मतलब यहाँ पे लेता हूँ पहले एल्कोहलिक QH और फिर NaNH2, या डायरेक्टली NaNH2, तो तुम्हारा एल्काइन बनने के चांसेस ज्यादा। आदर यू टेक एल्कोहलिक QH फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में NaNH2, और यू टेक NaNH2 इन एक्सेस, तो चांसेस क्या है तुम्हारा एल्काइन निकल के आए, कि एक्स यहां से, एच यहां से, एक्स यहां से, एच यहां से। वैसे ज्यादातर हम एल्काइन ही बना रहे होते हैं, मोस्टली हम एल्काइन ही बना रहे होते हैं, इवन इन दिस केस एल्काडाइन के बजाय एल्काइन इज प्रेफर्ड। हाँ एल्कोहलिक क्यूएच में भी की चांसेस क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। यहाँ से जब HX एलिमिनेट होगा, जो जो तुम्हारा एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। रेजोनेंस आ जाएगा, करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मतलब आइडिया क्या है, ये मैंने बता दिया कि एल्काडाइन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है, प्रेफर्ड हमारा एल्काइन ही होता है मोस्टली। बनने के चांसेस दोनों है, मतलब कोई मेजर माइनर में जाए तो हो सकता है ये भी बन जाए। क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक? वो कॉन्जुगेटेड वाले हाँ उसमें भी आ रहा है, लेकिन जो पहला HX एलिमिनेट हुआ वही, पहले एक HX एलिमिनेट करोगे उसके बाद जो दूसरा करोगे। हाँ अच्छा गाइस, विसिनल डायहैलाइड या विसिनल डायोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसकी रिएक्शन अभी करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। विसिनल डायोल जब तुम लेते हो तो उसमें एच प्लस सीड कुछ और ही कर देता है, डोंट थिंक ऑफ एल्काइन, डोंट थिंक ऑफ एल्काडाइन, ये कुछ और ही काम कर देता है, ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कर देता है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक काम करता हूँ मैं आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि नहीं तो है ना बच्चे इसको भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए गैस। पहले एच प्लस आएगा तुम्हारा, मैं एच प्लस सीट ले रहा हूँ, एच प्लस आएगा, वाटर बाहर निकालेगा, कार्बोकटायन बनाएगा, गुड। तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, मैंने कार्बोकटायन बनाया, ये लो, ठीक है ना गाइस। अब क्या होगा गाइस, जो एडजेसेंट कार्बन है जिसपे ओ एच अटैच, एक हमने ओ एच एलिमिनेट किया है, तो यहाँ पे काम की चीज, पहली चीज तो क्या है, अगर यहाँ पे सी एस सी की बजाय एक तरफ सी टू एच फाइव होता है, एक तरफ सी एस थ्री होता, तो हम वो कार्बोकोटाइन बनाते हैं जो ज्यादा स्टेबल है। सपोजिंग यहाँ पे मेरे पास ई टी होता, तो मुझे बताओ कार्बोकोटाइन कहाँ बनता है, यहाँ पे या यहाँ पे, विच वुड बी मोर स्टेबल? लेफ्ट वाला, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तीन है, राइट में कितने होते, दो, गुड, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे हम, अब हम एडजेसेंट कार्बन, नॉट दिस कार्बन, द वन जिसपे ओ एच कनेक्टेड है, उस पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या क्या ग्रुप्स लगे हुए हैं बेटा, एच और सी एस सी, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एच और सी एस, उनमें से हम किसी एक ग्रुप को शिफ्ट कर दी, एच और सी एस सी में शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, एच की, तो एच शिफ्ट करवा देंगे। क्यों करवा रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा इन 1 मिनट। सी सी एस थ्री ओ एच प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक? तुम कहोगे ये तो कुछ अनस्टेबल सी फील आ रही है, कि जिस पे कार्बोनेट पहुंचे जा रहे हो उसी पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस आई इफेक्ट। व्हाट अबाउट रेजोनेंस गाइस, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंक देगा, फिर ओ पे पॉजिटिव आएगा वो एच प्लस एलिमिनेट कर देगा, एंड यू विल गेट अ कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंज। ये हम करेंगे, ये हम किस में करेंगे बच्चों, एल्कोहल्स में करेंगे, डायोल्स में करेंगे गाइस, अगेन ये गॉट द आइडिया। तो ये बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला स्टेप हमारा, ये मैं अभी बता रहा हूँ, पहला स्टेप होता है कार्बोकटायन कौन सा बनेगा, किस साइड में बनेगा, सेकंड चीज होती है शिफ्टिंग किसकी होगी, उसके बाद तुम प्रोडक्ट आसानी से बना सकते, ठीक है ना गाइस, ग्रेट। इस वेरिंग एक्सपेंशन भी आता है, बहुत सारी चीज आ जाती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अभी तक तुम ये समझ गए हो गए गाइस कि हमारा एल्काडाइन की प्रिपरेशन इज ओवर, खत्म, दैट्स इट। मेरे को बस ये बताना था दो ही तरीके से प्रिपेयर करने के जो मैंने बता दिए, ठीक है ना गाइस। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक, वेरी नाइस। अब आते हैं स्टेबिलिटी गाइस, स्टेबिलिटी मैंने बताई थी लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ डाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बच्चों,
कॉन्जुगेटेड, फिर क्या? कॉन्जुगेटेड ग्रेटर देन आइसोलेटेड, ग्रेटर देन क्यूमुलेटेड। ओके गाइस, वेरी नाइस। बच्चों एक और चीज, ये हमने जो स्टेबिलिटी देखा ये किसके टर्म्स में देखा? हार्जिनेशन की टर्म्स। मतलब तुम्हारा अगर कॉन्जुगेटेड आयन है उनका हार्जिनेशन में सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी या सबसे कम रिलीज होगी? जस्ट थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। सबसे कम रिलीज होगी, बंदा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कॉन्जुगेटेड में तुम्हारा हीट ऑफ हार्जिनेशन इज गोइंग टू बी मिनिमम, एक्सोथर्मिक की टर्म। ठीक है ना गाइस, गुड। और अगर तुम, ये था इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच हार्जिनेशन। अगर तुम कंबशन देखते हो बाई चांस, कंबशन की टर्म्स है, तो एक चीज बता दूं मैं, एल्काइन्स में हीट ऑफ कंबशन इज, मैं लिख ही देता हूँ, कॉन्जुगेट। हाँ बेटा, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक में सबसे कम हीट रिलीज हो रही है, मतलब इट इज नेगेटिव। नेगेटिव में सपोजिंग ऐसे मान के लो, एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, -10 -20 -30, तो -10 इज योर कॉन्जुगेट। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? अब कॉन्जुगेटेड इज ग्रेटर देन एल्काइन्स इज ग्रेटर देन एल्कीन। अगर तुम डेल्टा एच कंबशन देख रहे हो, ठीक है ना गाइस, सबसे ज्यादा हीट हमारी किस में रिलीज होगी बच्चों? एल्कीन्स में, उससे कम एल्काइन्स में, और कॉन्जुगेटेड में कम लीस्ट। क्लियर है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? फाइन, एनी डाउट सो फार गाइस? जस्ट समथिंग टू रिमेम्बर, याद कर लो, या ना याद हो तो छोड़ दो, दिस पार्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दिस वॉज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि जब हम डाइन्स को कंपेयर करें। ओके ना गाइस, अब आते हैं एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन पे आते हैं, एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्काडा, एडिशन रिएक्शन पे आते हैं गाइस। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिया CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने डाला HCl गाइस, HCl डाला गाइस, H+ Cl- का अटैक। पहले H+ कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे हमने H का अटैक यहाँ पे क्यों नहीं करवाया भाई? दे कार्बोकैटायन यहाँ बना दे, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा रेजोन। अगर H का अटैक यहाँ पे करवाते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, ये CH3 बन चुका, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा नहीं दिख रहा, एंड स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस रेजोनेंस, और फिर Cl को यहाँ पे अटैच कर दो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना गाइस। लेकिन देखा क्या गया, एक और प्रोडक्ट बन गया विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, एंड दैट प्रोडक्ट वॉज दिस बच, गाइस अब मैं बता दूं, इसे बोलते हैं 1-2 एडिशन प्रोड, 1-2 एडिशन प्रोड, एंड दिस इज 1-4 एडिशन प्रोड। 1-4 का मतलब है अगर एक 1 पोजीशन पे ऐड हुआ है तो दूसरा 4th पोजीशन पे ऐड हुआ है, क्लोरीन। मतलब अगर एच को हमने यहाँ पे जोड़ा है तो हमने सीएल को यहाँ पे जोड़ा है, 1-4, 1-2-3-4 कार्बन एटम्स की टर्म्स में देखो। अगर 1 और 2 पोजीशन पे ऐड हो रहे हैं तो दैट इज 1-2 एडिशन, ये जो नीचे वाला प्रोड है दैट इज 1-4 एडिशन प्रोड। क्लियर है गाइस, ये कैसे बना? आइडिया तुम लगा सकते हो, मतलब इतना तुम्हें आइडिया है कि कैसे बना होगा। पहले हमने कार्बोकैटायन बनाया, वही कार्बोकैटायन बनाया जो 1-2 में बनना था, उसके बाद हमने शिफ्टिंग कर दी, वी शिफ्टेड इट, और शिफ्टिंग कर दी तुम्हारा कार्बोकैटायन कहाँ पे आ गया? टर्मिनल कार्बन, उसके बाद Cl- जोड़ दिया हमने। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन पहले ज्यादा स्टेबल था, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में देखो तुम्हारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यू आर गेटिंग अ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। क्यों होना? बिकॉज यू आर लुकिंग एट द फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट गाइस। यहाँ पे जो ऊपर वाला केस है इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है? 1-2। वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन फॉर्म,
जो हमारा 1/4 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है डिस्पाइट गोइंग थ्रू लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज मोर स्टेबल। तुम ध्यान से देखो ऊपर वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, एक, नीचे वाले में कितने हैं, पांच। हाँ है ना, इसमें तुम्हारे तीन और दो पांच हैं, इसमें तुम्हारा एक है। सो ऑल्दो इट इज प्रोसीडिंग वाया लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, हमने बना दिया क्योंकि उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तुम्हारा ज्यादा स्टेबल। कुछ चीज समझ में आई नहीं आई, गॉट इट और नॉट? अब देखा गया यार टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बंदा मेजर होता है, दिस इज मेजर, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एट से योर लोअर टेम्परेचर, दिस इज मेजर एट लोअर टेम्परेचर एंड 1/4 इज मेजर एट हायर टेम्परेचर। मैं एक बार लिख देता हूँ इसे, जस्ट 1 सेकंड, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। 1/2 एडिशन इज मेजर एट लो टेम्परेचर एंड 1/4 एडिशन प्रोड इज मेजर एट हाई टेम्परेचर। अब ये भी एक समस्या है, व्हाट इज लो एंड व्हाट इज हाई? रूम टेम्परेचर इज हाई गाइस, रूम टेम्परेचर हाई में काउंट होता है, लो का मतलब होता है तुम्हारा से -80 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, दैट इज लो। हाई इज रूम टेम्परेचर, मतलब क्रक्स ये ठहरा कि अगर तुम्हें रिएक्शन दे रखी है और तुम्हारा एल्काडाइन के अंदर, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन के अंदर हम एडिशन कर रहे हैं तो विल गो फॉर 1/4 प्रोड रेदर देन 1। समझ आया नहीं आया? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, मतलब हमारा नॉर्मल एडिशन प्रोड इज गोइंग टू बी योर 1/4 एडिशन प्रोड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ, ये फैक्ट रिमेंबर है कि हाई टेम्परेचर में तुम्हारा कौन सा होता है, 1/2, एंड दिस इज हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया रूम टेम्परेचर, दैट इज व्हाट इट मींस। तो हम नॉर्मली 1/4 एडिशन प्रोड मेजर बना रहे होते हैं रेदर देन 1/2 का। क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? राइट, तो मैं एक काम करता, मैं एक बार बना देता, ये मैं लिख भी दू। इसमें हमने HBr ऐड किया, HBr ऐड किया एट से -80 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा प्रोड क्या बनेगा, 1/2। एच और बी आर की पोजीशन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी भी बच्चे को? वेरी नाइस बेटा, से 40 डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें तुम्हारा 40 तो नहीं लेकिन 40 से कम पे भी हो जाता है, 40 पे हम, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि और ये यहाँ पे ये 80% है 40 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे ये 80%, -80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नहीं, रफ आइडिया देने के लिए। क्लियर है गाइस? तो मेजर हमारा रूम टेम्परेचर पे इज 1/4 एडिशन प्रॉब। क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक और देखते हैं, बी आर टू का अटैक करवाए, अगेन लेट अस टेक एल्का टाइम, बी आर टू का अटैक करवा दिया, बी आर टू सी सी एल फोर, क्या करेगा बच्चों ये? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइज, 1/4 प्रॉड इज गोइंग टू बी मेजर, 1/2 प्रॉड इज गोइंग टू बी माइनर। समझे या नहीं समझे गाइज? दिस इज गोइंग टू बी मेजर, 1/2 और 1/4, 1/4 इज मेजर का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मली मैंने बताया रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा 1/4 इज मेजर फैक्टर में, रूम टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा, रूम टेम्परेचर, ठीक है ना गाइस? अब मैं एक काम करता, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता जिससे शायद थोड़ी क्लैरिटी बढ़े। मुझे ठंड लग रही है, 1 सेकेंड गाइस।
हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, ये है यार, इसमें मैं HBr का एडिशन कर रहा हूँ। पहले मुझे बताओ 1 2 एडिशन में क्या बनेगा, 1 4 में क्या बनेगा। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले हम कार्बोकैटायन बनाए, अ स्टेबल कार्बोकैटायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे टू गो फॉर 1 4। तो पहले बताओ 1 2 में एच कहाँ जुड़ेगा। चार ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4। सर टू पे, सॉरी 1 पे जुड़ेगा, 2 पे कार्बोकैटायन। वेरी नाइस, लेफ्ट मोस्ट पे हम एच को जोड़ देंगे, एच को, क्योंकि उससे कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो 1 पे जोड़ेंगे या 4 पे जोड़ेंगे, 2 3 पे तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2 या 3 पे जोड़ोगे तो तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। समझे नहीं समझे गाइस? वेरी नाइस, तुम्हारा फील सही आ रही नहीं आ रही बच्चों? हमारा पहले जो कार्बोकैटायन बना वो ये बना, और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया। अब अगर मैं 1 2 के बजाय 1 4 पे जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? अब जो कार्बोकैटायन बनाया है उसी में तुम शिफ्टिंग करोगे, तो ये बनेगा नहीं बनेगा? मतलब पहले वाला स्टेप तो दोनों का सेम है, 1 2 का भी 1 4 का भी। अब नेक्स्ट स्टेप इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, और तुम यहाँ पे समझ गए होगे, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं हुई गाइस? कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? घुस गया। दिस इज योर 1 2 प्रोडक्ट, दिस इज योर 1 4 प्रोडक्ट। वाई एंड नॉर्मली 1 4 इज मेजर मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्टेट। अब इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एंड काइनेटिक प्रोडक्ट। जस्ट सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। गैस 1 2 प्रोड जो होता है तुम्हारा वो होता है काइनेटिक प्रोड, दिस इज योर 1 2 एडिशन प्रोडक्ट, एंड थर्मोडायनेमिक प्रोड इज योर 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा, अभी समझाता हूँ। आइडिया क्या है, 1 2 में तुम्हारा जब 1 2 एडिशन कर रहे थे वो दैट वाज गोइंग थ्रू स्टेबल कार्बोकैटायन, आया ना? 1 2 में हम देख रहे थे स्टेबल कार्बोकैटायन, और स्टेबल कार्बोकैटायन का बेसिक मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 2 में स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू हम जा रहे हैं, राइट? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। और स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब है हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल, रिएक्शन फटाफट होगी। स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब स्टेबल इंटरमीडिएट, फटाफट रिएक्शन होगी। काइनेटिकली का मतलब होता है कि रेट वाइज इट इज फेवर्ड, रेट वाइज योर 1 2 एडिशन इज फेवर्ड, है ना? क्योंकि जो तुम्हारा इंटरमीडिएट है दैट इज स्टेबल, राइट? 1 4 में वी आर लुकिंग एट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे 1 2 में वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन मतलब इंटरमीडिएट। और 1 4 में हम क्या देख रहे हैं बच्चों? वी आर लुकिंग एट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझेगा? वी आर लुकिंग एट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो थर्मोडायनेमिकली हमारा कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है? तो दिस इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, जो तुम्हारा प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल है वो बनना, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो 1 4 एडिशन इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एंड 1 2 इज योर काइनेटिक प्रोडक्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड में हम देखते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में हम देख रहे होते हैं लुकिंग एट द मोर स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों में यहाँ तक? वेरी नाइस। नाउ समथिंग दैट यू डोंट नीड मच, मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट बी नीडिंग इट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। गाइज अगर हमारा नॉन पोलर, इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज गिवन टू अस, नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज गिवन टू अस, तो हम क्या करते हैं बच्चों? इसमें 1 2 इज डोमिनेट्स, 1 2 डोमिनेट्स, ओके गाइस? क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल भी ले रहे हो सॉल्वेंट का, हेक्सीन, हेक्सीन वगैरह लोगे तो इसमें 1 2 डोमिनेट्स। और अगर तुमने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, इफ पोलर या आयोनाइजिंग सॉल्वेंट ले लिया,
लाइक एसिडिक एसिड। तो उसमें 1,4 डोमिनेंट। कोई खास जरूरत इसकी नहीं है बच्चों, मैंने लिख दिया, तुम एक बार पढ़ लेना और उसके बाद भूल जाना, ठीक है गाइस? क्लियर हुई ये चीज़ें? नहीं बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को? वेरी नाइस, वी आर डन विद एल्कीन, सॉरी एल्काडाइन। नाउ विल गो ऑन टू एल्काइन। हाँ बेटा क्यों नहीं।